तो हाय गाइस, वेलकम टू माय अदर वीडियो। तो गाइस कैसे हो? आई होप आप गाइस अच्छे होंगे। तो गाइस एक और न्यू GTA वाइट सिटी का गेम प्ले लेकर आ चुके हैं। तो गाइस इस गेम प्ले में गाइस हमें बहुत सारा मिशन कंप्लीट करने हैं। तो गाइस चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें पहला मिशन मिल चुका है कि हमें एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को मारना है गाइस, जो यहाँ पर डिलीवरी करने से पहले उसको मारना है, और उसकी डिलीवरी टाइमिंग हमें यहाँ पर ऊपर गेम प्ले पर दी गई है। तो गाइस जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ही सेकंड बाकी है डिलीवरी को। तो गाइस चलिए इस पिज़्ज़ा बॉय को पकड़ते हैं। तो गाइस ये तो बहुत खतरनाक राइडर है गाइस, ये रुक ही नहीं रहा गाइस। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, सभी गाड़ियों को डॉच करते हुए आगे बढ़ता है गाइस, हमारी गाड़ी तो उससे पीछे ही रह गई। तो गाइस चलिए इसको पकड़ना हो, नहीं तो डिलीवरी कर देगा तो गाइस हम फेल हो जाएंगे। तो गाइस देखते हैं, यहाँ पर उसको हमने क्रैश कर दिया है गाइस हमारी कार के साथ, और यहाँ पर दूसरी कार आकर उस पर चढ़ गई है। तो गाइस चलिए उसे पहले वहाँ से निकालते हैं। तो गाइस जैसे ही यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठता हूँ गाइस और इसे निकालने के लिए, तो गाइस यहाँ पर मैं गाड़ी को पीछे कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। इसको बाहर निकालने के लिए गाइस मैंने गाड़ी को पीछे कर लिया, और जैसे ही पीछे किया वो गाइस वो खड़ा होकर सीधा एस्केप करने के लिए चला गया गाइस। वो गाड़ी उठाता है और वो निकल रहा है, लेकिन गाइस मैं यहाँ पर उसको रोकता हूँ और उसे पकड़ लेता और इसे बहुत मारता हूँ। लेकिन बाद में वो रुकता ही नहीं है गाइस, और वो भागने की कोशिश करता रहता है, और आखिर में यहाँ पर वो हमारी नज़रों से दूर निकल ले गाइस यहाँ से निकल जाता है। तो गाइस यहाँ पर हमें उसे मारना तो है ही गाइस। तो गाइस चलिए स्कूटर को उससे पीछे चलकर उसे उड़ा देते। तो गाइस जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने स्कूटर को यहाँ उसके पीछे लगाया और उसको उड़ा दिया। तो जैसे ही उड़ाते ही गाइस यहाँ पर हमारा मिशन कम्प्लीट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर $500 मिल चुके हैं। तो गाइस अभी नेक्स्ट मिशन के लिए गाइस हमें बॉस के पास जाना होगा, क्योंकि वही हमें मिशन देता है गाइस। तो चलिए गाइस बॉस के पास चलते। तो गाइस हमारी ये पिज़्ज़ा डिलीवरी की स्कूटर लेकर ही हम यहाँ पर बॉस के पास पहुँच जाते हैं यहाँ पर शिप पर। तो गाइस यहाँ पर उतर कर सीधा हम शिप पर जा चुके। तो गाइस हमें यहाँ पर वो शिप पर यहाँ पर बैठा होता है। तो गाइस वो हमें एक मिशन देता है कि मेरा एक आदमी यहाँ पर से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर जा चुका है, तो हमें उसे मारना है। तो गाइस वो हमें यहाँ पर चेंज देता है गाइस, जिससे हमें मारना है उसको अखा काट डालना है, उसको इसने कहा ऐसा। तो गाइस यहाँ पर हमने इस हथियार को उठा लिया है, और वापस से हम यहाँ पर पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय वाली स्कूटर लेकर चल चुके हैं। तो गाइस ये बहुत फास्ट चलती है, इसलिए मैं गाइस इसी को यूज़ करता हूँ। तो गाइस सीधा उसके होटल पर जाकर अभी उसे ख़त्म ही करना है। तो गाइस चलिए चलते हैं। तो गाइस यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो और वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गाइस यहाँ पर राइडरों की तरह मैं अपना स्कूटर भगाते भगाते गए उसके होटल के पास पहुँच जाता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस अभी यहाँ पर हमें इसके अंदर जाना है, वो किसी अपने बंदे के साथ बात कर रहा होता है, उसे धमका रहा होता है। तो गाइस इसे यहाँ पर हम लोकेशन पर पहुँच चुके। तो गाइस चलिए उसको मारने के लिए चलते हैं होटल के अंदर। तो गाइस शायद से ये पीछे वाला रास्ता है जहाँ पर हम आ चुके हैं। तो गाइस चलिए अभी दीवार कूद कर सीधा होटल में जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर वो पर्सन अंदर होगा गाइस स्विमिंग पूल के पास, तो चलिए उसे मारते हैं चेंसों से। तो गाइस यहाँ पर हम अंदर जा चुके हैं होटल के, और यहाँ पर हम चेंजो लेकर अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर वो बंदा अपने बंदे के साथ धमका कर बात कर रहा होता है, तभी हमारा बंदा पीछे से आकर उसे कुछ बोलता है। तो गाइस वो बहुत डर जाता है, हमें देखकर वो बहुत घबरा जाता है और इधर उधर भागने लगता है। तो गाइस हमें उसे ही मारना है जहाँ पर उसे एरो दिख रहा है। तो गाइस उस बंदे को मैं यहाँ पर चेंजो से सीधा काट डालता हूँ गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, देखने में बहुत फनी लगता है, लेकिन गाइस वो डार्क सीन भी इतना ही लगता है गाइस। तो इधर उसे मारने के बाद गाइस हमें पता चलता है कि उसके किसी भाई ने या दोस्त ने गाइस पुलिस वाले को बुला लिया है, क्योंकि उसने हमें देख लिया था। तो हमने उसके भाई को मार डाला है। तो गाइस यहाँ से अभी भागना होगा, क्योंकि ये पुलिस आकर कभी भी हमें पकड़ सकती है और मार सकती है। तो गाइस चलिए चलते हैं। तो इतने में बाहर निकलते ही गाइस मुझे पीछे पुलिस वाले की गाड़ी दिख चुकी है। तो गाइस वो हमें मारने के लिए गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पर एक कार को पकड़कर सीधा हमें यहाँ से निकलना है। तो गाइस चलिए चलते। तो रास्ते में गाइस ये गाड़ी रुक जाती है, तो गाइस मैं दूसरी गाड़ी ले लेता हूँ तो यहाँ से। तो गाइस दूसरी गाड़ी लेने के बाद पता चलता है वो पुलिस वाला आकर सीधी उस गाड़ी को भी ठोक कर नीचे पलटा देता है, जिससे वहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है। तो गाइस इस ब्लास्ट के कारण वो पुलिस वाला तो मर जाता है, और हमारी HP भी कम हो जाती है। यहाँ पर HP तो कम हो जाते, लेकिन गाइस स्टिल हम बच जाते हैं, अदरवाइज हम मर जाते तो ये मिशन फेल हो जाता। तो गाइस यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और गाइस हमें इस कार को लेकर सीधा गैरेज में जाना है, और सीधा यहाँ पर हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस सीधे कार की सभी कलर को बदल देंगे, तो गाइस पुलिस वाले हमें पहचानेंगे नहीं। तो गाइस यहाँ पर मिशन कंप्लीट हो चुका है। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट।